हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन की। यहां पर पाइथन में नया क्या सीखेंगे, आइए समझते हैं। यहां पर देख सकते हैं a इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं कुछ इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने 1, 3, 5, 2, 7, 3, 3, ठीक है। तो अभी इसमें हमको मेन फंक्शन का यूज समझना, मेन फंक्शन का यूज हम पहले भी देख चुके हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं लाइक सपोज कीजिए b लिख दिया हमने, b इज इक्वल टू, अब यहां पे मेन लगाते हैं। तो ये मेन लगाया हमने, मेन लगाने के बाद हमें क्या करना है, मेन लगाने के बाद यहां पर हमें दे देना है a, क्योंकि a ही ऊपर लिया है हमने, तो ये a दे दिया हमने, ठीक है। और a देने के बाद इसको प्रिंट करवा देंगे, तो क्या प्रिंट होकर आएगा, देखिए सवाल ये होता है कि प्रिंट क्या होगा। b को प्रिंट करा देते हैं, तो ये b को हमने प्रिंट करा दिया। अब इसको सेव करना है, तो रन पे जाएंगे और यहां पर रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, इसको सेव करेंगे पहले, तो .py फाइल एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करना है, तो यहां पर जाकर के और फिर .py, तो यहां पे min.py, क्योंकि मिनिमम min फंक्शन का ही यूज कर रहे हैं, तो यहां min लिख दिया। अब ये देखेंगे यहां पे 1 आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहां पर क्या प्रिंट होकर आ रहा है, 1 आ रहा है। जब हम इसको रन करवा रहे हैं तो यहां पे रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है, जबकि हमारा प्रोग्राम क्या था, हमारा प्रोग्राम कुछ ये था, देख सकते हैं। यहां पर सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें से कौन है, देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू 1 ही तो है, तो ये 1 को प्रिंट करके दे दे रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम कोई इसमें स्ट्रिंग लिख देते हैं, स्ट्रिंग टाइप कर देते हैं, तब क्या होगा, ये तो सवाल नंबर का रहा, लेकिन अगर स्ट्रिंग को टाइप करते हैं तब क्या होगा, इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, अभी ही प्रिंट होकर आएगा, बस लिख देना है min। तो ये हो गया काम हमारा बहुत आसान। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली अब यहां से रन पे क्लिक करते हैं, मॉड्यूल पे चलते हैं और इसको सेव करके और रन करवा देते हैं, तो ये रन हो गया। तो अब देखेंगे कि यहां पे अभी प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर अभी प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नाम लिख दूं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने अंबिका, तो ये भी तो ए से है, लेकिन देखिएगा अभी इसमें भी दिक्कत ये होगी कि पहले जो है अभी ही प्रिंट होकर आएगा, अंबिका पहले प्रिंट नहीं होगा। कारण क्या है कि ए के बाद बी आया है, फिर एच आया है, और यहाँ ए के बाद डायरेक्टली एम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से अभी भी यहाँ पे मिनिमम में अभी ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैक्स लगा दें हम, एम ए एक्स लगा देते हैं इसकी जगह पर, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे ही एम ए एक्स लगाएंगे हम, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होगा और यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है वहां से शुरू होगा, तो जो जैसे जेड आया होगा तो वो फिर नहीं तो वाई देखे, इस तरह से करके पीछे से देखेगा ये, ठीक है। तो दोनों ही में डिफरेंस है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी मिन और मैक्स वाली। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।